नमस्कार साथियों, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में वैकेंसी आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए किस किस सब्जेक्ट में आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर प्रोस्पेक्टिव एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। द रेगुलर टीचिंग पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग पोस्ट, 4 पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ PSNP ऑन ओपन रोलिंग सिस्टम। कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग पोस्ट, 2 पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, 2 पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ PSNP एंड 1 पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑन ओपन रोलिंग सिस्टम। साथियों, ये वैकेंसी है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा से। आइए डिटेल नोटिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इंट्री पे 144,200 रुपये इन द एकेडमिक पे लेवल 14 एज पर 7th CPC। ये प्रोफेसर्स की रहेगी इंट्री लेवल पर। एसोसिएट प्रोफेसर की 131,400 इन द एकेडमिक पे लेवल 13A एज पर 7 CPC। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की इंट्री पे 57,700 इन द एकेडमिक पे लेवल 10 एज पर 7 CPC। आइए बात करते हैं वैकेंट पोजीशंस के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अप्लाइड एग्रीकल्चर, जिसमें प्रोफेसर की एक ST कैटेगरी में सीट है। अप्लाइड एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक SC कैटेगरी में है। अप्लाइड एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व में है। इकोनॉमिक स्टडीज़ में एक प्रोफेसर की OBC कैटेगरी में है, जो कि लियन पर है। साथियों, एजुकेशन में एक प्रोफेसर की और एक एसोसिएट प्रोफेसर की सीट आई हुई है। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट आई हुई है। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक ST कैटेगरी में आई हुई है सीट। जियोग्राफी में प्रोफेसर की, जियोग्राफी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आई हुई है OBC कैटेगरी में। हिस्ट्री, प्रोफेसर की सीट आई हुई है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एसोसिएट प्रोफेसर की। लॉ, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की। मॉस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, प्रोफेसर की। मॉस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की, अनरिजर्व में। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स की, प्रोफेसर के लिए। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रोफेसर के लिए। फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए। साइकोलॉजी में प्रोफेसर और एसोसिएट दोनों के लिए। पंजाबी में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए। साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए। जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट ST कैटेगरी में आई हुई है। आइए साथियों बात कर लेते हैं इसके आगे के डिटेल्स के बारे में। ये फुल फॉर्म दिए हुए हैं एब्रीविएशंस के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं साथियों। क्वालिफिकेशन एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द टीचिंग पोस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड। क्या क्या होना चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है जो तीसरे नंबर कॉलम में कि भाई नेट PhD तो होना ही चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर कॉलम में भी ये लिखा हुआ है कि क्लेरिफाइड मास्टर डिग्री ऑब्लिक नेट एंड PhD होना ही चाहिए। चूंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इसमें सेट की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, नेट और PhD मांग रहे हैं। यूजफुल लिंक आपको वही CURC ये UGC रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के लॉग इन करना है, वहां से आप फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, आप 30 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों, यह फॉर्म बहुत अच्छा आया हुआ है, आप इसे ज़रूर भरें। ये इसके पूरे डिटेल रहा है नोटिफिकेशन। हाँ, ये देखिए हाईलाइट करके लिखा है, OPC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2024। हाउएवर द कैंडिडेट मे अपलोड द हिज आर हब्लिक हर प्रीवियस OBC NCL सर्टिफिकेट टिल द टाइम ही एसी गेट्स द रिन्यूड सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर आपके पास नया नहीं बना है तो आप पुराना डाल दीजिए और उसे जब तक बन जाए तो उसे फिर नए वाले से अपडेट कर देना होगा। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फीस की 750 रुपये रखी गई है।
तो ये था साथियों डिटेल पंजाब विश्वविद्यालय भटिंडा की। सबमिशन की डेट है 30/4 को, ऑनलाइन सबमिशन। इसमें कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है साथियों। थैंक यू।